धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय डीप फेक गलत उपयोग के खतरों को रोकने के लिए हमारा विषय है भारत सरकार योजना बनाए और कानून बनाए। डीप फेक तकनीक ने व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से नए सवाल उत्पन्न किए हैं। यह तकनीक तस्वीरों और वीडियो को मूल रूप से संपादित करके ऐसा महसूस कराती है कि वे असली हैं, जिससे गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। हमें डीप फेक के गलत उपयोग और उसकी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। डीप फेक तकनीक का सबसे बड़ा खतरा धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपत्तियों का निर्माण करने में है। इसका गलत उपयोग हो सकता है, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और वे झूठी खबरों या छवियों पर विश्वास कर सकते हैं। डीप फेक का एक अन्य बड़ा खतरा व्यक्तिगत और सामाजिक कलंक का उत्पन्न होता है। इसका दुरुपयोग करके व्यक्तिगत छवियों और वीडियो को बदला जा सकता है, जिससे किसी की छवि को नुकसान हो सकता है। डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग ऑनलाइन यातायात में धोखाधड़ी के लिए भी हो सकता है। गलत तरीके से उपयोग करके किसी की आइडेंटिटी छिपाई जा सकती है और ऑनलाइन धोखाधड़ी भी की जा सकती है। डीप फेक को पहचानना और नियंत्रित करना तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तकनीकी शास्त्र में नवीन और बेहतर तकनीकों की आवश्यकता है, ताकि डीप फेक का पता लगाया जा सके और उससे बचा जा सके। सरकारें, सामाजिक संगठन और तकनीकी कंपनियों को सामंजस्य बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लोगों को डीप फेक के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा और साक्षरता की आवश्यकता है। नीतियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि लोग डीप फेक के गलत उपयोग से बच सकें। योग्यता के लिए अच्छी तकनीकी शिक्षा और संचार की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विषय पर जागरूकता के लिए तत्काल योजना तथा इसके गलत उपयोग के लिए कानून बनाए जाएं। धन्यवाद।